औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपका मेजबान अली हसन प्रोग्राम फूड पेंट्री में इस वक्त मौजूद हूँ कराची जो रोशनियों का शहर है उसका छोटा सा एक चौराहा गुलिस्तान जौहर, और वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। हमारे चाहे सकाफती फूड हो या वेस्टर्न फूड हो, अपनी एक ही अलग ही टेस्ट और अपना एक अलग ही मज़ा रखता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैफे कराची 365 में। यहाँ का चाहे ब्रोस्ट हो, जिंगर हो, बीफ बर्गर हो या सैंडविच हो, वो अपना अलग ही टेस्ट लगता है। उसके बाद में मजीद जानेंगे अंदर जाके कि अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, और उनके कस्टमर से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। तो आइए हमारे साथ चले अंदर, देखते क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास कैफे कराची 365 में कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि अपने अल्फाजों में क्या कहते हैं और यहाँ का फूड कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर, ये बताइए कि कैफे कराची कितने अर्से से आ रहे हैं और यहाँ का फूड आपको कैसे लगता है? मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ कैफे कराची, और यहाँ का फूड जो है टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे जो आपके प्राइस में भी बहुत सारी है, अभी हमें पहले फर्स्ट ट्राई किया, अभी इसके बाद हम चिपोटले फ्राइज भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, तो उसका टेस्ट भी इसी तरह अच्छा ही होगा होपफुली। तो आप आसपास के लोगों को, एलियन मोहल्लों को, एलियन कराची को कैफे कराची की तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए कि आएँ और ट्राई करें कराची? ऑब्वियस सी बात है, कराची में रहता वही है जो फूडी होता है, और जो फूडी है कराची में रहता, तो भी ऑब्वियस सी बात है आके ट्राई करें, बहुत अच्छा है। जी ना जी, नमस्ते। तभी एक और कस्टमर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि अपने अल्फाजों में क्या कहते हैं कैफे कराची के वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका खालिद हुसैन। खालिद, ये बताइए कि कैफे कराची की जो प्राइसेस हैं, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए हैं, तो वो आपको कैसे लग रही है? फास्ट फूड में ट्राई करता रहता हूँ, और बाकी उन जगह से यहाँ पे नॉर्मल है प्राइसेस, कंपेरेटिव सही है, प्राइसेस सही है, कम है। अब बाकी टेस्ट जो है वो मैं लेके जाऊंगा, फिर मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो आप प्राइसेस के हवाले से रिकमेंड करना चाहेंगे एलियाने मॉल? बिल्कुल, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्राइसेस के लिहाज से कराची स्पेशल क्या है, कैफे कराची 365 प्राइसेस के हवाले से सही ऑफर कर रहा है, एकदम आना चाहिए। जी जी। आज फूड पेंट्री में द शोस कम्स इन एवरी सैटरडे 4 or 5 PM, रिपीट ऑन संडे 4 AM। देखते रहिए फूड पेंट्री, और हमें अपनी बेसिकली कमेंट से आगाह करते रहिए, जो हर हफ्ते शाम 4 बजे K21 न्यूज़ पर दिखाया जाता है। और यहाँ पे चाहे सकाफती फूड हो या वेस्टर्न फूड हो या किसी भी किस्म का फूड हो, वो फूड से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको नए रेसिपीज और प्रोडक्ट्स के हवाले से बताते हैं जो आपके लिए बहुत मुनफरद और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पे मिलता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम मौजूद हैं कैफे कराची 365 पे, और उनके ऑनर हमारे साथ मौजूद है फरहान भाई। हम उनसे जानेंगे कि वो अपने अल्फाजों में क्या कहते हैं और उनकी शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनमे, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अनमे, बताएं सबसे पहले कि कैफे कराची 365 की शुरुआत जब आपकी ओपनिंग हुई यहाँ पे, आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ के, मैंने देखा है लोग ज़्यादातर फूड लवर हैं, और फिर जब हमने विजिट करा, इस जगह को चेक करा, तो हमें जब समझ में आया तो हमने यहाँ पर फिर स्टार्ट करा, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। और बाकी ये है कि अभी स्पेशलिटीज में भी नाज़रीन को, जो K21 न्यूज़ देखने वाले लोग हैं, वो जो व्यूवर्स हैं, उनको बताएं कि आपकी स्पेशलिटीज में क्या क्या चीज़ें मशहूर? वैसे तो हमने फास्ट फूड में सारे आइटम रखे हैं, ब्रोस, बर्गर, सैंडविच, सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा है, यहाँ पर हमारा जिंगर, रोस्ट और कलब सैंडविच ज़्यादा चल रहा है, जो हमारी स्पेशलिटी भी है, जो हमारे शेफ़ हैं वो जिंगर और जो है रोस्ट के ज़्यादा अच्छे शेफ़ हैं, तो हमने फिर इसी पे ज़्यादा ध्यान दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर हम अल्लाह का शुक्र है कि चिकन हमारी बहुत अच्छी जगह से आ रही है, हमारे जो है टोटल सामान हाइजेनिक है। और आपको मैं एलियान मोहल्ला को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए टेस्ट करें, इंशाल्लाह उनको अच्छी चीज मिलेगी। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे को क्या कहते हैं अपने अल्फाजों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका महवेश। ये बताइए कि कैफे कराची की सबसे पहली तो प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ का आपको टेस्ट कैसा लगता है, और सेकंड इज प्राइसेस क्या कहना चाहिए? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और जो भी बनता है तो फ्रेश बनता है, और हम यही पास में रहते हैं, तो अक्सर हमें जब बाहर खाने का दिल करता है तो हम यही आते हैं, और प्राइसेस भी जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो बहुत सूट करता है हमें। ठीक है, तो एलियान मोहल्ला को, एलियान कराची को कैफे कराची की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, को रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि वो मतलब जब भी बाहर का कुछ लेने आए तो वो यहाँ पे ज़रूर आके टेस्ट करें, बिकॉज जो भी मिलेगा तो फ्रेश मिलेगा, और मतलब हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम तो आते रहते हैं और यहीं से ही लेते हैं जो भी चाहिए। जी ना जी, नमाज़ मौजूद है। अभी एक और कस्टमर हम उनसे जानेंगे
तो कैफे कराची के हवाले से क्या कहना चाहते हैं और उनको यहाँ का प्रोडक्ट, यहाँ का टेस्ट और यहाँ का एम्बियंस कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शायान। शायान, ये बताएं इससे पहले कि आप यहाँ पे जो कैफे कराची है 365, तो यहाँ का पहली बात तो चाय यहाँ की कैसी लगती है और आप अगर फास्ट फूड ट्राई किया तो वो भी बताएं। हाँ, मैंने यहाँ पे चाय भी पी है और फास्ट फूड भी ट्राई किया है। रिसेंटली लास्ट फ्राइडे हम लोग यहाँ फास्ट फूड खाने के लिए आए थे, मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था यहाँ के लिए कि ये लोग, इन लोग का टेस्ट बहुत अच्छा और ये लोग फ्रेश देते हैं आपको खाना। इनकी जो चिकन होती है, इन लोग का जो बनाने का प्रोसीजर है, बहुत फ्रेश और साफ सुथरा है। तो हम लोग ने वो चीज़ यहाँ पे आके ट्राई की थी और यहाँ की चाय अच्छी है, फ्रेश देते हैं ये लोग। जी, तो एलियाने मोहल्ला को और एलियाने कराची को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैफे कराची? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ आए, आप ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश है। आज फूड मेंट्री में कैफे कराची 365 की प्रमोशन का दिन है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। कराची जो रोशनियों का शहर है, उसका एक छोटा सा चिराग गुलिस्तान जौहर, जहाँ पे ये कैफे मौजूद है। और आपको पता है कि हमारी सकाफती चाय हो या हमारा ब्रोस हो या जिंगर हो, चाहे वो वेस्टर्न फूड हो, एक अपने टेस्ट रखता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, लेडीज मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं अपने अल्फाजों में। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, यहीं के रिहायशी हूँ मैं भी, तो मैंने कहा चले यहाँ का ट्राई करते हैं। तो अभी लिया नहीं है, बन रहा है हमारा बर्गर, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छा होगा। अच्छा, प्राइसेस कैसी लग रही है? मेन तो लोग प्राइसेस पे आते हैं। प्राइसेस सही लग रही है, रीजनेबल है। हाँ, क्योंकि कल मैं देखकर गई थी तो मुझे सही लगा, इस वजह से फिर मैं यहाँ। आप रिकमेंड करने चाहेंगे अहले मोहल्ला को, अहले कराची को, कि एक दफा जरूर आके ट्राई करें? इंशाल्लाह हम पहले ट्राई कर ले, अगर अच्छा हुआ तो फिर जरूर आगे मैसेज देंगे कि भाई आप भी आए यहाँ पे और एंजॉय करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है कुछ प्यारे से बच्चे, हम उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आए कैफे कराची में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बताओ, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे? जिंगर। जिंगर, तुम क्या लेने आये हो? मैं यहाँ पे जिंगर। जिंगर लेने आये हो, ठीक है। और वैसे क्या पसंद है तुम्हें? जिंगर ही पसंद है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी ना जी, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई और उनको हमने दोबारा से मदद किया है इनकी होम कैटरिंग सर्विस के वाले से, जो होम डिलीवरी भी है और इंशाल्लाह ताला ये फूड पार्टनर में भी आपको नज़र आएंगे, हैं बल्कि हैं बिल्कुल। और ये है कि इनसे हम मज़ीद जानेंगे उस कॉन्टैक्ट नंबर के हवाले से कि आप कराची के किसी भी कोने से कॉल कर जो है वो इनकी होम डिलीवरी के हवाले से इनकी जो है तमाम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ने हमने आपको दोबारा से मधु किया है इसी हवाले से ताकि आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो तमाम हमारे व्यूवर्स में वो हो जाए, मिल जाए, उनको उसमें शामिल हो जाए, ताकि अगर कोई भी ऑर्डर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, ज़रा कॉन्टेक्ट नंबर सामने बता दें। देखें, वैसे तो हम फूड पांडा पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप हमें पर्सनल कॉल करें तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ 03223634861 और दूसरा नंबर है 03001538017। इस पे आप हमें कॉल कर लें, आप कराची में कहाँ जहाँ भी अवेलेबल होंगे हम आपको भिजवाएंगे। एरिया के हिसाब से हमने इसको किया हुआ है, डिपेंड ऑन लोकेशन है चार्जेस। ठीक है सर, किलोमीटर के हिसाब से? किलोमीटर के हिसाब से जो आजकल चल रहा है उसी हिसाब से हम करते हैं इसके बाद। ठीक है। अच्छा सर, ये एक तो ये हो गया और एलियाने कराची जो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि आपका जो फास्ट फूड है या आपका मछली पराठा हो जो आप तरतीब बनाते हैं, आलू वाला, आपके मुख्तलिफ पराठे बनते हैं यहाँ पे, डिफरेंट चाय होती है यहाँ पे आपकी, तो एक आपने हलवा पूरी भी शुरू किया हुआ है, तो हलवा पूरी के हवाले से भी मोहल्ले वालों को थोड़ा सा आपने मोहल्ले वालों को एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो लोग देखें तो हलवा पूरी के हवाले से भी आए। हाँ, ये हमने लास्ट वीक से हलवा पूरी स्टार्ट की क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी एरिए की कि यहाँ पर आप हलवा पूरी स्टार्ट करें, तो हमने लास्ट सैटरडे से स्टार्ट किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हलवा पूरी के हवाले से ये कहूँगा कि हमने बड़े अच्छे एक लाहौर से स्पेशली हमने एक बुलाए हैं जो पहले कराची में बहुत अच्छी जगह एक जगह काम करते थे, तो वो लाहौर मूव कर गए थे, फिर हमने लाहौर में उनको कांटेक्ट करके बुलाया और रेट भी हमने रिजनेबल रखे हैं। फी पूरी हम जो है पर 35 रुपीज़ की दे रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त 45-50 की पूरी बिक रही है, लेकिन हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी हुई है। तो इसके हवाले से भी मैं कहूँगा कि सुबह आएँ, सुबह हम 6 बजे से तकरीबन दोपहर 2 बजे तक हमारा हलवा पूरी का प्लान चल रहा होता है। नहीं, होल वीक चल रहा है। अच्छा, वीक में टोटल
7 days हमने माशाल्लाह। नाजीन आपको सातों दिन अल्लाहपुरी मिल सकती है अगर आप यहाँ पे गुलस्तान जौहर जौहर मोड़ के सामने में है कैफे कराची 365 पे आए तो सातों दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपको अल्लाहपुरी मिल सकती है। जी सर, मजीद ये कहूँगा कि जरूर आए, एक ट्राई करें, करें, फिर हमें अगर कोई कमी लगती है आपको तो हमें जरूर बताएं। हमारे साथ अभी एक और कस्टमर मौजूद है, हम उनसे जानेंगे अपने अल्फाजों में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ हैदर। आइए बताइए सबसे पहले कि आप जब यहाँ पे आई, पहली दफा आप आई हैं, आपने हमें बताया तो आपको यहाँ की प्राइसेस कैसी लगी और आप क्या समझती हैं कि फूड की क्वालिटी कैसी होगी प्राइस के वाले? यहाँ की प्राइसेस देखी मैंने तो मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और इंशाल्लाह फूड भी अच्छा ही होगा और अहले मोहल्ला से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ का फूड ट्राई करें। इसी तरीके से नाजरीन अपने ट्रेडिशनल फूड को, वेस्टर्न फूड को और जो भी हमारे पाकिस्तानी फूड्स हैं उसको प्रमोट करते रहिए। मैं आपका मेजबान अली हुसैन प्रोग्राम फूड मेंट्री में इस वीक कैफे कराची 365 पे मौजूद था। नेक्स्ट वीक एक नई फर्म और नई यूनिक टेस्ट के प्राइसेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।